भक्ति तप त्याग और तांडव, इसमें आप क्या तांडव मचा रहे हैं? तांडव ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, बिकॉज इट्स सीरीज जो हम पहले देख चुके हैं, बहुत बार देखते हैं, शिव जी के बारे में हमको पता है, अब नया क्या आ सकता है, अगर मेरे को बुलाया है तो कुछ नया ही करेंगे, तो ये हम सोच रहे थे कि अगर हम फिल्म करते तो कैसा होता, और फिल्म को टीवी पर लाएंगे तो कैसा होगा, तो फिर लार्जर देन लाइफ सोच रहे थे, लार्जर देन लाइफ बात आती है तो ये होता है कि अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, अच्छा मैं अगर लाइट करूँगा तो कैसे करूँगा, कैलेंडर आर्ट का इमेज हमारे माइंड में हमेशा रहता है, शिव जी कैसे होते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कहाँ बैठने वाले हैं, स्नो है, कैलाश है तो कैसे होगा, उसको अगर हम ब्रेक करें, जो ट्रेडिशन उसको ब्रेक नहीं करें, बिकॉज अदरवाइज सब लोग शर्म करेंगे, नहीं हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है कैसे, सब चेंज होता है माइंड, तो वो नहीं करके अगर मैं सिर्फ वो एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करूँ तो कैसा लगेगा, तो ये हमने जब बैठ के डिज़ाइन किया, ऐसा कर सकते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, सडनली हमने सोचा कि चलो अगर मैं शिव जी को बाहर नहीं, अगर एक केव के अंदर देखूँ तो कैसा लगेगा, जो केव में आते हैं रहते हैं लेकिन तपस्या वाली करते हैं, तो अगर मैं अंदर ही लाऊँ लेकिन आज तक लाइफ कर दूँ, बड़ा पिलर्स बड़े बड़े कर दूँ, उसको काव ऐसे करूँ जैसे अगर मैं उधर पैदा होता तब, तो मैं कैसे काव करता, तो उस हिसाब से हमने काव किया। बर्फ़ का लुक अलग होता है हमेशा, क्रिस्टल होता है, जमा होता है तो अलग होता है, हाथ पर लगता है तो अलग होता है, तो वो अगर रात को ग्लो करेगा तो कैसे होगा, तो पिलर्स ग्लो कर रहे हैं, ब्लू हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, अलग अलग स्टाइल हो सकता है, अब लंबा सा कॉरिडोर है, पिलर से आप चल के चल के चल के अंदर आ रहे हो, जब एक पॉइंट पर आते तो एक लेवल, दूसरा लेवल, चौथा, पाँचवें लेवल पर अगर जब अगर शिव जी बैठते तो कैसे लगेगा, तो नीचे सब लोग देख रहे हैं ऊपर उनको, सब अच्छा लग रहा है, केव भी अच्छा लग रहा है, स्नो भी है, वाटर भी है, फाउंटेन भी है, सब चीज़ें, लेकिन क्या मिसिंग, बोला आउटडोर मिसिंग है, ठीक है आउटडोर कैसे लगता है, तो मैंने बड़ा सा खड्डा पीछे कर दिया, ओके तो अगर पहाड़ में खड्डा करते हैं और वहाँ से अगर रेज लाइट्स आती है तो कैसे लगेगा, सडनली ही सिटिंग ऑन टॉप, मेरे को सीन दिख रहा है, क्लाउड दिख रहा है, वहाँ स्काई दिख रहा है, फिर बाद जब पीछे से आ रहा है लाइट तो हेलो फील आता है, तो वो एक नयापन ऑटोमेटिकली आ गया, सेम ट्रेडिशन को फॉलो करके, लेकिन सेट बड़े हुए, सेट बड़े हुए तो सबके थिंकिंग चेंज हो जाते हैं, कैमरा का मूवमेंट अलग हो जाता है, डायलॉग करने का ढंग अलग हो जाता है, सीन्स अलग टाइप के हो सकते हैं, तो सॉरी इतना बड़ा लुक है, एक जगह पर बैठे नहीं है, तो अलग अलग जोन में ना हम एक ये मतलब मेरी आदत है कि ऐसा दे दो जिससे अपना टेकिंग चेंज हो जाए, वो फिल्म का जो टेकिंग है, जो अगर मेरे फिल्म की जो कीड़ा पन है वो अगर इसमें आ जाता है तो कैसे लगेगा, तो उस हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया। ओके, तो स्टोरी को आपका जो डिज़ाइनिंग है, जो सेट डिज़ाइनिंग है, सुन के ही मुझे बड़ा वो लग रहा है, मैं देख रही हूँ कि आपने वो ऊपर से लिया पीछे जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो स्टोरी को कितना अपलिफ्ट करेगा आपका ये स्टोरी ना दब जाए? नहीं नहीं, देखो हम क्या करते हैं ना, सिर्फ एक प्लैटर देते हैं, आप वही जगह को पहले भी तो कर रहे थे, सेट भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ सेट का चेंज कर रहा हूँ आउटलुक, आप स्टोरी तो वही कर रहे हो, लेकिन स्टोरी करने में भी इन्होंने एक नयापन लाया है कि हमारी दादी जो बोलती थी, हमारी माँ जो बोलती थी, वो अलग अलग स्टाइल में शिव जी की कहानियाँ स्प्रेड होती रही थी, अब उसको भी एक नयापन लाया, दादी जी भी सरप्राइज हो जाते, अच्छा हाँ ये तो मेरे को पता नहीं था, तो रिसर्चर्स आ जाते हैं, एक कुछ नयापन कहानी के बीच में की कहानी बताते हैं ना, तब एक नया लुक, शिव शक्ति दोनों साथ में है नहीं वैसे, तो वो कैसे आए हैं, तो उस हिसाब से मैं यही करता हूँ कि सेट्स को एक एनहांस करने के लिए कोशिश करता हूँ कि ताकि प्लेटर में ऐसा दूँ कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो, जंगल बना रहा हूँ तो एक अलग स्टाइल का जंगल बना रहा हूँ, लार्जर देन लाइफ लीव्स है, पहले ज़माने में पता नहीं कैसे होता होगा, हवा अलग होती होगी, पेड़ फल फूल सब अलग दिखते होंगे, तो हमने डिज़ाइन भी वैसे ही किया है, और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैक्सिमम दो डायरेक्टर, एक जगह पे आप खेल सकते हो, ये कैमरा लगे तो अलग लगता है, यहाँ अलग लगता है, यहाँ अलग लगता है, तो वो ना क्या फिल्म हाँ मेरे डायरेक्टर पर मेरा जो बीच में आता है ना वो मेरे को दूसरे को देना है, इसलिए एंड इट ऑलवेज हेल्प्स। या यू नो बीइंग अ डायरेक्टर एंड बीइंग दिस आल्सो डिजाइनिंग द सेट, इट हेल्प्स द दिस थिंग टू अपलिफ्ट यू नो, यस, एंड यू हैव ऑलवेज डन दैट इन ऑल योर फिल्म्स, यस। हाउ डू यू डू इट एंड हाउ मच डिड योर अदर हाफ हेल्प यू इन दिस? वो सोचती है, या सीरियल अलग करें तो ठीक है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स मेरे में ज्यादा है, हाँ अगर ड्रेसअप होता, अगर एक सीन वैसा होता तो मैं उसको बुलाता, लेकिन इसमें नहीं,
आपका जो करियर है मतलब एड एजेंसी में जो हमको आप एक छोटे से मतलब एक मिनिमल सेकंड में आप पूरी दुनिया जिंदा कर देते, वो जो एक क्रिएटिव पावर है आपको आपके पास या आपकी जर्नी में, हाउ डिड दैट हेल्प्स यू आउट? सी माय एडवर्टाइजिंग डेज हेल्प मी अ लॉट यू नो बिकॉज आप 30 सेकंड में पूरी कहानी बताते हो जो आप यू नो ढाई घंटा एक फिल्म में देखो या तो आप पूरी एक सीरीज देखो जितने में, वो आपको 30 सेकंड में दिखाना पड़ता है. तो वो बहुत अच्छी थिंकिंग और मेरे स्टार्ट से जो यू नो स्कूलिंग रहा है वो बहुत अच्छा था. एडवर्टाइजिंग डेज इट हेल्प मी इन एवरीथिंग, बीट सेट्स भी हो मतलब एक झटके में पता चलना चाहिए ये इसकी बहन है, ये इसकी माँ है, खाने के लिए रोक रही है और आप कैसे खा रहे हो और वो बेचना पड़ता है. तो 30 सेकंड में अगर आप बेच सकते हो तो आपका वो होता है, जब आप फिल्म में जाते हो तो आपको पता है हर सीन में डालने की जरूरत नहीं, एक सीन आपको वो बता सकता है. तो वो दैट लर्निंग वॉज वेरी नाइस फॉर मी एज एन एडवर्टाइजिंग प्लैटर. बट तब वही जर्नी रही है बिकॉज सेट डिजाइन भी उधर हो गए, होस्टिंग भी उधर हो गई. तो मेरी जर्नी ना फ्रंट ऑफ द कैमरा बिहाइंड द कैमरा साथ में चलती रही, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू एक मिनट टू डिजाइनिंग सेट्स टू डूइंग अवार्ड शो टू डायरेक्टिंग, इट ऑल हेल्प्ड मी एंड इट हैज went along, you know, new things opened up for me. Okay, when you direct a film, maybe a TV serial, और आपका एक जो एक आर्ट का एक सेंस है, aesthetic sense है, it's और writing का एक creative sense होता है, तो aesthetic और creative जब मिलते हैं कभी कश्मकश होती है दोनों में? नहीं, it always helps. कश्मकश नहीं होती, ये है कि मैं हमेशा फ्रेम जो picture perfect frame देखता हूँ. तो लिखते वक्त भी अगर मैं लिख रहा हूँ तो अगर normal है एक लड़का लड़की चाय पर मिलते हैं कहीं, okay, अब वो कहाँ भी हो सकता है. चाय पीना ना, मैं उसको पहाड़ में बैठा सकता हूँ या तो मनाली के इसमें बर्फ में बैठा सकता हूँ चाय पीने. तो वो थिंकिंग चेंज होती है ना, आपका माइंडसेट उस हिसाब से घूमता है. तो राइटिंग सेम ही रहती है, सिर्फ दिखाने का नयापन आ जाता है. और मैं हमेशा हर फ्रेम आप फ्रेम रोको, पिक्चर परफेक्ट फ्रेम होना चाहिए, तो वो हेल्प करता है मेरे को राइटिंग में. सत्यजीत रे राइटिंग मतलब एड एजेंसी के बैकग्राउंड से थे, आप भी उसी बैकग्राउंड से आए, जो आपका एक ग्रोथ है, जो आपका एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है काफ़ी अच्छा है. मतलब कोई नया आना चाहेगा तो उसके लिए आप क्या सलाह दोगे? जो करो शिद्दत से करो, यू नो, एंड गेट गिव योर बेस्ट एवरी सिंगल टाइम. मैं जो सेट भी बनाऊंगा एक साल में, अगर 5 सेट या 6 सेट अवार्ड शो के बनाऊंगा, हर सेट अलग दिखनी चाहिए और हर सेट मेरा बेस्ट होना चाहिए. वो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू होस्टिंग टू मेकिंग सेट्स टू डायरेक्टिंग, सबके अपने अपने पहलू रहे हैं, सब में मैं थोड़ा पीक करना चाहता हूँ. यू नो, सबसे बेस्ट करो एंड सेट अ स्टैंडर्ड फॉर अदर्स टू फॉलो. वेल सेड. आप सभी इसमें सक्सेसफुल भी रहे, तो क्या सक्सेस मंत्रा क्या रहा आपका? कुछ नहीं, हमेशा वो जो बचपन मेरा अंदर है ना वो हमेशा फूट फूट के आता है हर सेट में. क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ कौन कर सकता हूँ, ब्रीफ आने से पहले ही मेरे माइंड में चलने लगता है ना, आँख बड़ी हो जाती है, हाँ ऐसे कर सकता हूँ. तो वो बचपन जो अंदर है ना मेरा, वो कभी मरना नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई आई कीप माय सेल्फ अलाइव एंड एवरी 10 ईयर्स आई हैव टू यू नो आउटडू माय सेल्फ एंड चेंज फॉर नेवर नेक्स्ट ईयर. You look good also. कभी लालच नहीं होती एक्टिंग पर्दे के सामने भी करे, बिकॉज आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका एक्सप्रेशन काफी मतलब फिल्मी है, तो लालच नहीं होती कि सामने भी एक्ट करें? मैं बचपन में तो सोचा ही था कि मैं हीरो बनूंगा, लेकिन हाँ आफ्टर एक मिनट जो 12 साल तक मैं होस्ट कर चुका था बहुत हो चुका था, यू नो, उसके बाद में जरा स्टेप बिहाइंड एंड सडनली माय लाइन स्टार्ट मिक्सिंग विद ईच अदर, यू नो, बीइंग सेट बनाओ, मतलब एड वर्ल्ड में जब था तो एड बनाता तो क्लाइंट बोलता था तू क्यों नहीं एक्ट करता है, तो फिर बहुत सारे गोदरेज यू नो पॉन्ड्स ये वो सब में बहुत एक्ट भी करने लगा. होस्टिंग किया तो खुद का सेट बनाया, यू नो, खुद होस्टिंग करा 12 साल, तो बहुत हो चुका था. हाँ फिल्में नहीं हुई बट उसके पहले मैं बिहाइंड द सीन चला गया, तो आई एम हैप्पी बीइंग बिहाइंड द सीन. डू यू थिंक व्हेन आर यू मिसिंग एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज़ इफ यू गो टू सी दे पे यू वेरी वेल. एवरी मनी मेंटिंग प्लेस compared to a filmy arena. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पैसा बना सकते हैं, वैसा जरूरी नहीं है. पैशन हो तो कहीं से भी, मतलब मैं ट्रेन में भी डफली बना के पैसा बना सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. तो इट्स बेसिकली द पैशन दैट कम्स आउट इन एवरी फील्ड दैट यू आर इन. ओके, यू सेड यू आर वेरी मच क्लोज टू माइथोलॉजी. हाउ डिड इट गेट इनटू यू, हाउ डिड यू गेट इनटू माइथो, यू नो? आई हैव बीन डूइंग माइथो सेट्स फॉर अ वे वे लॉन्ग टाइम फ्रॉम रामायण. एक इंक्लिनेशन होगा आपका जो फ्रीडम जो मिलता है माइथो सेट्स में मिलता है, एंड एवरी टाइम आई वांट टू से समथिंग बिग आई गेट इनटू माइथो. तो आर यू क्लोज टू शिव? आई फॉलो हिम एज अ
you know, as a god who has different colors and colorful life, and I like that about you know Shiv ji. And yes, bhakt to sab rehte hain, you know, and Shiv ki bhakti sab mein hoti hai. Film front pe kya kar rahe ho? Film front mein meri Fauja film launch, matlab I have spoken about Fauja and abhi फौजा सिंह जो है उनके ऊपर पिक्चर है. एंड दूसरी जो अभी राज शांडिल्य के साथ जो मैंने अनाउंस की है राम लाली, तो वो सो इन दैट यू आर इन्वॉल्वड एज अ डायरेक्टर बोथ बिकॉज़ ही हैज ही इज आल्सो अ डायरेक्टर बट आई थिंक ही इज अ प्रोड्यूसर. एक पूछना था आपसे कि हाँ कि आप मतलब जब हमने मतलब दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो फिल्म इंस्टीट्यूट से जो डायरेक्टर बनने आते हैं और जो आप एड एजेंसी से आते हो तो आपकी मतलब फिल्मों का एक जो लुक होता है बहुत ही अलग होता है और आपका सक्सेस रेट एट द बॉक्स ऑफिस भी अलग है मतलब फिल्म इंस्टीट्यूट वाले से. तो व्हाट डू यू टू से अबाउट इट you being an ad maker filmmaker. देखो मैंने लर्निंग कहीं से नहीं की. ओके एडवर्टाइजिंग का एक अलग लर्निंग था. एडवर्टाइजिंग में जब मैं डायरेक्टर हूँ तो वहाँ वो लोग फिल्म नहीं बनाते. ओके वो कॉपी राइटर बनाते हैं. ये माइंड सेट सबका कॉपी राइटर्स लोग फिल्म लेते हैं लेकिन मैं वहाँ भी लिखता था. तो मेरे लिए वो एक एडवांटेज था. एंड इट्स नॉट दैट फिल्म इंस्टीट्यूट से आया तो अलग रहता है, ऐसे नहीं. फिल्म बोलने का तरीका होता है. ओके आई मीन उनकी वो स्कूलिंग वैसे होती है. लकीली मैंने कहीं से स्कूलिंग नहीं की. हाँ. तो मेरा ओपन माइंड है, मैं कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूँ. हाँ. you know, okay, it's a phase basically, it'll go off. Everything is a phase. हम सोचते हैं कि यही रहेगा फिल्म को you know, शर्म मिलेगा, ऐसे नहीं है. अगर अच्छी फिल्म काम करती है तो काम करती है. You make a good film and it'll work. That's it. Yeah. Thank you so much and all the best. Thank you. All the best. God bless you. You too.